अगर आपको इस प्रकार के बैनर आ रहे हैं आपके फ्लिपकार्ट पे, तो आप जो है इसे अप्लाई कर दीजिए, आपको जो है मिलने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। और देख सकते हैं मुझे कई प्रकार के जो है वो बैनर आ रहे हैं मेरे फ्लिपकार्ट आईडी पे, तो मैं इसे अप्लाई करने वाला हूँ और आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और मेरा कार्ड जो है वो अप्रूव होने पे रह गया है, बस डॉक्यूमेंट्स जो पिकअप होते हैं वही रह गया है। मैं क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट दूंगा और आईडी प्रूफ दूंगा, मेरे पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है, देख सकते हैं आप। इस वीडियो में आपको जो है वो बताऊंगा, मेरी वीडियो केवाईसी भी हुई है, वीडियो केवाईसी में क्या क्या पूछा गया और क्या क्या बताया गया वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देख सकते हैं ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मुझे ऑफर किया जा रहा है, ये वीज़ा कार्ड के साथ इस समय आ चुका है, इससे पहले मास्टर कार्ड के साथ आता था। और यहाँ पे अनलिमिटेड 5% कैशबैक मिलेगा आपको फ्लिपकार्ट पे, 2500 रुपये वेलकम बेनिफिट मिलेगा, कम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस मिल सकता है, और जो कैशबैक फॉर्म होगा वो 5% मिलेगा अनलिमिटेड, जो डायरेक्ट आपके बिल में आ जाएगा। मिंत्रा और फ्लिपकार्ट पे आपको 5% मिलेगा, 4% स्विगी कॉर्पोरेट पीवीआर उबर टाटा स्काई पे मिलेगा, 1.5% आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन जो है वो मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत आसानी से क्रेडिट कार्ड ये है मिल रहा है और काफ़ी ट्रेंड में है इस समय, ये देख सकते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सैलरी आपको 15,000 से अबव होनी चाहिए और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 30,000 के आसपास होनी चाहिए। गाना, प्लेम, स्विगी, ये सारे आप देख सकते हैं जो पार्टनर्स हैं इन पे आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो मैं इस वीडियो में अप्लाई करके दिखाऊंगा, मेरा जो है वेरिफिकेशन भी हो गया है, डॉक्यूमेंट्स पिकअप रह गया है, मैंने वीडियो केवाईसी के थ्रू जो है वो अपना डन किया है। और आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, मैं इसे अप्लाई करने वाला हूँ। देख सकते हैं मैं अपना नाम, मदर नेम और आप जेंडर स्टेटस जो भी है वो आप चूज़ करिए, यहाँ पर पैन कार्ड नंबर, सैलरीड आप हैं, सैलरीड आप ऐसा डालिएगा कि आपको कोई ऐसी कंपनी डाल दीजिए और प्लस मंथली 15,000 से ऊपर सैलरी होनी चाहिए। आपको करंट एड्रेस डालना होगा, जो आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है वही एड्रेस डालिए और ऑफिस एड्रेस अपना डाल दीजिए, ये बिल्कुल गलत नहीं डालना है आपको। हो सकता है आपका वेरिफिकेशन किया जाए लेकिन आप जो है बिल्कुल गलत नहीं डालेंगे और बिल्कुल सही डालिएगा, आपको 99% चांसेस हैं कि आपको जो है क्रेडिट कार्ड मिल जाए। जैसे ही मैंने क्लिक किया था तो पहले मुझे नहीं दिखा रहा था कि आपका कमेंट सुन दिखा रहा था, फिर दूसरे दिन मैंने दिखा तो दिखाने लगा लेकिन मेरा पिन कोड पे जो है वो नहीं दिखा रहा, फिर तीसरे दिन मैंने देखा तो वो दिखाने लगा, तभी मैं इसे अप्लाई कर रहा हूँ। कई सारे बैनर जो हैं वो दिखाई दिए थे और देख सकते हैं यहाँ पर एडिशनल फीचर, 6 मंथ में कार्ड इशू के बाद क्रेडिट लिमिट बढ़ जाए और कॉल और इन्फॉर्मेशन जो प्लान होता है इनका वो आपके पास आए या ना आए तो आप यहाँ से भी जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये आप कर दीजिए, दोनों पे टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और टर्म एंड कंडीशंस जो है वो एक्सिस बैंक के ऊपर ही जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा, वो सब एक्सिस बैंक पे ही जो है वो डिपेंड करता है। यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP जाएगी, OTP डाल दीजिएगा और OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई करना होगा, इससे यहीं से आपका पता चल जाएगा कि कार्ड आपका आगे प्रोसेस होगा या नहीं होगा। जैसे ही आप OTP डालेंगे वेरीफाई हो जाएगा आपका, और यहाँ पे कुछ थोड़ा टाइम लगने वाला है, मैं आपको इसमें बता दूँ, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से जो है वो आपको कार्ड मिलेगा और लिमिट मिलेगा आपकी सिविल के हिसाब से। मेरा इससे पहले पिछले महीने SBI का ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड बना, 1,35,000 लिमिट आई है, उस पर मैंने कार्ड टू कार्ड अप्लाई किया था, तो वीडियो देख सकते हैं, और SBI बना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो KYC इन पर्सन KYC का ऑप्शन आ रहा है, तो वीडियो KYC मैं चूज़ करूँगा और वीडियो KYC काफ़ी फास्टर रहेगा, आपको 8 घंटे ही में कंफर्म हो जाएगा। और इनकम डॉक्यूमेंट्स पिकअप करने के लिए आपके घर पे एग्जीक्यूटिव आएगा, कार्ड जो अवेलेबल है 6 से 7 दिन में आपको जो मिल जाएगा, और जैसे ही अप्रूवल होगा वर्चुअल कार्ड आपको जो है आपकी एप्लीकेशन में शो होने लगेगा। तो मैं यहाँ पे वीडियो KYC करूँगा, और इन पर्सन अगर आप KYC करते हैं तो काफ़ी लॉन्ग टाइम लगेगा और एग्जीक्यूटिव होते हैं वो काफ़ी अच्छा मतलब वो नहीं करते हैं, आपका पेंडिंग में डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे वीडियो KYC चूज़ करता हूँ और वीडियो KYC कोशिश करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्या क्या इसमें पूछा जाएगा देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सेटिंग में जाके जो है लोकेशन अनेबल करना होगा, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्रोम के थ्रू आपको जो है वो KYC करनी होगी, क्रोम के थ्रू ही करिए वरना नहीं हो पाएगी आपकी। और देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो KYC के लिए आपका जो है वो कैमरा अच्छा होना चाहिए और इंटरनेट स्टेबल होना चाहिए बिल्कुल, तो यहाँ पे आपको है यस करना होगा, और आपका इंटरनेट कनेक्शन भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, और लोकेशन आप अलाउ करेंगे तभी आप जो है वो
आसानी से कर पाएंगे। तो यस या नो का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ पे यस करना होगा। यहाँ पे आपको जो है वो लोकेशन अलाउ करना है, और यहाँ पे आपको जो है आपका पैन कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर जो है वो आ जाएगा। फिर आपको इस पे आधार कार्ड नंबर जो है वो आपको डालना है। आधार नंबर से आपको OTP वेरीफाई हो जाएगा और KYC आपकी जो है वो eKYC हो जाएगी। लेकिन आपको वीडियो KYC करनी है फेस टू फेस, तो आप वीडियो KYC बहुत आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे आपके जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस पे आपको OTP आएगी। OTP आप एंटर करेंगे तभी आप जो वीडियो KYC के लिए आगे प्रोसेस कर पाएंगे। तो देख लीजिए आप, यहाँ पे मेरा आधार कार्ड से डिटेल्स आ चुका है, मेरा एड्रेस करंट एड्रेस और आधार एड्रेस आ चुका है सेम। और वेरिफिकेशन के लिए आपको अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए और गुड इंटरनेट और ओरिजिनल पैन कार्ड आपको रखना है। यहाँ पे कंसर्न करेंगे और क्लिक एजेंट अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे इस समय बिजी है। फिर आप दोबारा एप्लीकेशन में जाके जो है वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कट कर दिया था, यहाँ पे लिख के भी आ चुका है कॉन्ग्रेचुलेशन KYC यो वीडियो KYC के लिए बोल रहे हैं, तो मैं वीडियो KYC ही चूज़ करूँगा। और बिल्कुल मैं आपको बताऊँगा कि अब वीडियो KYC के बाद आपको क्या क्या करना होगा, वो आप वेट करना होगा। आपको आपको सिविल में इंक्वायरी होगी तभी आपको नेक्स्ट स्टेप मिलेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स पिकअप होंगे या नहीं होंगे, वो भी मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। तो पहले वीडियो KYC के लिए आपको आधार कार्ड लिंक जो है OTP डाल देना है। OTP जैसे ही एंटर करेंगे फिर आपको यहाँ पे फिर कैमरे के आपको जो है वो वेल इन्वायरमेंट होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और ओरिजिनल पैन कार्ड आप अपने साथ रखिएगा। और यहाँ पे आपको कंसर्न देना है और वेट करना है। वेट टाइम आपका काफ़ी हो सकता है आप अपने हिसाब से, मुझे करीब 8 से 10 मिनट लगे थे, लेकिन मैंने यहाँ पे वीडियो जो है वो कट कर दिया है और आप आसानी से कर पाएंगे। आफ्टर वीडियो KYC के बाद आपको क्या करना होगा, वेट करना होगा। आपके सिविल में एक इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी की तो फिर उसके बाद ही आपका जो नेक्स्ट स्टेप आएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स पिकअप होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा। मेरा इस समय आइडेंटिटी कार्ड और मैं जो इनकम प्रूफ में दूंगा वो क्रेडिट कार्ड का एक महीने का स्टेटमेंट दूंगा। मेरे पास ऑलरेडी HDFC का क्रेडिट कार्ड है 1 साल पुराना, उसी का स्टेटमेंट मैं देने वाला हूँ। और देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो KYC का ऑप्शन आ चुका है। और यहाँ पे एजेंट ने कुछ नहीं, बस वेलकम किया था, मतलब गुड मॉर्निंग, वो सॉरी गुड इवनिंग, इवनिंग का टाइम था। और यहाँ पे मेरी KYC जो है वो डन हो चुकी, और बस आपका नाम पूछा और आपका पिन कोड पूछा, और आपको बस ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाने के लिए बोलेंगे कि आप अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखा दीजिए, और कुछ भी नहीं पूछा मुझसे। ये भी नहीं पूछा इनकम डॉक्यूमेंट्स आप क्या देंगे, आइडेंटिटी कार्ड में क्या क्या देंगे, ओनली आपका सिर्फ पैन कार्ड देखा जाएगा ओरिजिनल। वो भी कैसे देखा जाएगा, पहले मैंने सामने से दिखाया लेकिन नहीं बोले, बैक कैमरे से आप दिखाइएगा। ओरिजिनल पैन कार्ड अपने हाथ में रखिएगा और आपकी जो है वो KYC डन हो जाएगी। देख सकते हैं आप, पिन कोड आपका जो भी आपका करंट पिन कोड है वही पिन कोड आप बताइएगा, और आपके जो है वो और कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपका नाम पिन कोड और वीडियो KYC आपकी जो डन हो जाएगी। बैक कैमरे से यहाँ पे आपका जो है वो पैन कार्ड कैप्चर किया जाएगा ताकि KYC के टाइम जो है वो ले पाए। पैन कार्ड से ही आपका जो है वो जो भी प्रोसेस होने वाला है वो आगे प्रोसेस होगा और आपका जो है वो कार्ड अप्रूवल होगा। वीडियो KYC के बाद आपको वेट करना है। नेक्स्ट वर्किंग डे में आपको क्या करना होगा, संडे पड़ गया इसलिए मेरा इंक्वायरी नहीं हो पाया और वीडियो KYC डन हो चुकी है, देख सकते हैं। और कॉल जो है वो डिसकनेक्ट हो जाएगी और कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, देख लीजिए आप। यहाँ पे जीशान नाम का बंदा था जिसने वीडियो KYC किया था, और KYC जो है वो हो चुकी है, बहुत आसानी से हो चुकी है, देख सकते हैं आप। देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो KYC डन हो चुकी है। आगे फिर इसके बाद प्रोसेस आपको एप्लीकेशन में कैसे शो होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन जनरेट हो जाएगा, उस एप्लीकेशन को आप रेफरेंस नंबर समझ सकते हैं और उसे आप सेव करके रखिए। अगर आप कभी भी पूछना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं तो देख सकते हैं आप, स्टेटस पता कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आपके सिविल में एक इंक्वायरी होगा, इंक्वायरी होने के बाद इसका जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से होगा। पहले आप देख लीजिए, आफ्टर KYC के बाद कुछ इस प्रकार से आपको जो वो यहाँ पे एप्लीकेशन इन प्रोसेस दिख रहा है, और कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिए। और ये लाइफ टाइम फ्री ऑफ़र का मिला है, यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है। फिर इसके बाद आपको एक सिविल इंक्वायरी होगी, और मैसेज मेरे पास कुछ इस प्रकार से आया था, यहाँ पे देख लीजिए एक लैंडर इंक्वायरी हुई है और आज ही की डेट में हुई है, मंडे है। फिर इसके बाद यहाँ पे
अप्रूव बैंक हो गया है, डॉक्यूमेंट पिकअप, फिर कार्ड जनरेशन का ऑप्शन आएगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस आप देख सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई सा भी आप आइडेंटिटी प्रूफ दे सकते हैं, एड्रेस प्रूफ, और इनकम में आप ITR, बैंक स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप दे सकते हैं। मैं क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट देने वाला हूँ और यहाँ पे मेरे पास क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी है। अगर ये अप्रूव हो जाता है तो मैं एक वीडियो बनाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।